नमस्कार दोस्तों, विंग्स फ्लाई हाई में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ RSMSSB LDC 2018 का पेपर, जो लास्ट पेपर है। 16 सितंबर 2018 को जो हुआ है पेपर फर्स्ट, ये पहली पारी का पेपर है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिन लोगों ने जो पहले पेपर दिए वो आप देख सकते हैं, आप इसमें देखिएगा कि आज हुआ है पेपर, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए क्वेश्चंस, पेपर इजी था, बच्चे बता रहे पेपर काफ़ी इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए किसी दूसरे बच्चे का पेपर है, तो आप जिसके अंदर जो टिक लगे हुए हैं आप उसको देख लीजिएगा, गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं। चलें दोस्तों आगे चलें। तो दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड मैं आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों आगे। ये RSMSSB का लास्ट पेपर है, और अभी सेकंड पारी स्टार्ट होगी 2 से 5। देखिए पेपर तो इजी आया है, वीडियो स्पीड में हो तो आप पॉज कर सकते हैं। जिन भैया को PDF चाहिए वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दूंगा PDF। सीज़फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर में। ऑप्शन ए सही है इसके अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में मालपुरा कोरोले का मैदान किस रीजन का भाग है? बताइए दोस्तों अपने आंसर्स मैच कीजिए। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो दोस्तों इसकी आंसर की आपको कल मिल जाएगी। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट, वाराणसी। अभी तो ये पेपर ही आया है, अभी इसकी जांच करेंगे, बेस्ट आंसर्स होंगे, करेक्ट आंसर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग टू आपको कल ये एक्यूरेट मिल जाएगी। आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन कोई भी राजस्थान के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती है वो आपको मिलती रहेंगी।
ये देखो सेला जी पर मेला पांच बस सर नागौर नागौरी गाय आएगी मैंने गाय की एक्चुअली जितने भी देवी देवता होते थे ना ये गायों की रक्षा कर क्या करते थे गोरक्षा की भी माने जाते गोरक्षा बहुत सारे ऐसे अपने देवी देवता मारे भी गए थे युद्ध के दौरान पुष्कर मेले में होता ऊँटों का नाचना ऊँट का जो बीकानेर का है वो बीकानेर का है ना मैं सोचा यार नाचना ऊँट वहाँ का है पुष्कर मेले में भी तो होता है पुष्कर में ही होता है और कुछ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ बताओ 16 सोलह पहले दिन ही वो है जो 15 अगस्त थी तो वो सबको याद रहेगी वो चीज वो यार वो कलकत्ता में नहीं हुआ नहीं तो फिर वो झंडा झुकाना पड़ता चित्रकूट है अयोध्या है वाराणसी वाराणसी करके और वो जो है ना ये नंदीग्राम नंदीग्राम यार ये नंदी के आनंद भाई मथुरा वाला तो नहीं कृष्ण जी का हो सकता है चित्रकूट क्यों नहीं होगा अयोध्या वाराणसी यूपी में चित्रकूट भी यूपी में वो मथुरा के अंदर पड़ गया एक वो जिलों वाला आया था ना एक उदयपुर पेपर पेपर क्वेश्चन तो बोला पेपर क्या पेपर क्या किस क्या बोल रहे हो संगीत ये मैंने किया ही नहीं आप नहीं गए गैस में मन जब पता ही नहीं था पता ही नहीं था क्या मतलब और क्वेश्चन बोलो देखे साइंस के लिए इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी की परावर्तन से बनता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शंस को कहते हैं इसका नाम है इंग्लिश में और वो अवतल लेंस आंखों के अंदर दूर की दृष्टि निकट दृष्टि में दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लेंस लगेगा दूर की वस्तुओं के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया दूरदर्शी योज के लिए दूरदर्शी योज का में ही होता है नीचे दूर के अंदर तो वो निकट था अरे दूरदर्शी दोष होता है ना उसे तो पास की नहीं दिखती और निकटदर्शी दोष होता है दूर की नहीं दिखती ने उसने क्या किया वो एक 120 वाला रस्सी वाला था वो क्या 120 के 120 सेंटीमीटर 120 आएगा मुझे भी कंफर्म नहीं था यार मैं तो सीखकर गया हूँ ऐसा मैं सोचते हैं यार हैं यार मतलब वो 20 वाला नहीं देखा ना तो इसका मतलब तो मैं भी 20 बैठेगा ही और रिपीट करो क्वेश्चन अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक हार्ट अटैक किससे आता है तीनों से आता है तीनों आएगा ना हाँ ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट वो एक बनो का भी तो आया था ना वो उसमें अर्ध सरकारी आएगा वो अर्ध सरद्वार आएगा हाँ सेमी हाँ अर्ध सुख सदाबहार ये किया ही नहीं यार समझ में नहीं आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था यार ये हेपेटाइटिस भी हो सकता है वैसे तो हेपेटाइटिस का क्या होता है कि वायरस जनित और दोबारा वायरल होता है वो तो इसलिए दोबारा हो जाता है वो लेकिन मैंने किया ही नहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है मैं तो नहीं तो कैंसर एड्स तपेदिक ये प्रधानमंत्री वो योजना चलाएगा खाद्य वाली उसके अंदर 3,30,000 का बीमा था उसके अंदर ये कैंसर भी शामिल था ये मैंने किया ही नहीं समझ में नहीं आया क्या
फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो सकता है? मेंडल है वो, नहीं मेंडल का तो उसको ही आता है। बिरबल सहनी नहीं है? नहीं नहीं दोबारा बोलना, उसको यही है मेंडल ही है। अनुवांशिकता है हां, तो वही है ठीक है। अनुवांशिकता के जनक और एक वो एक फार्मूला और है यार, वो था देखो मेंडल ने तो वो अनुवांशिकता का वो कुछ दिया था प्रतिपादन किया था। तो मेंडल ही है जनक भी इसी को कहेंगे, प्रतिपादित ही है कि है तो जनक ही है। Which one of the following is not a search engine? इसमें क्रोम है, याहू, याहू क्रोम है, नहीं नहीं याहू है, बिंग है, क्रोम है, बिंग है, और वो है आपका याहू आएगा ना इसका आंसर, याहू आएगा, याहू मेल है यार, याहू सर्च इंजन से बोल गया। तो बिंग क्या है? बिंग एक्सप्लोरर क्या आता है? सर्च इंजन है बिंग, सर्च इंजन है याहू, सर्च इंजन है और गूगल भी, लेकिन क्रोम सिर्फ ब्राउजर है। क्रोम में कैसे ब्राउजर है? ओनली वो ब्राउज करता है, सर्च भी तो होता है ब्राउज, जैसे फायरफॉक्स है इंटरनेट है वैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है ओपेरा है, हाँ ये क्या है ब्राउजर्स हैं, लेकिन सर्च इंजन गूगल है और याहू सर्च इंजन है, याहू का भी सर्च इंजन है और बिंग सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन, याहू में कौन सा सर्च इंजन आ गया? याहू का, याहू सर्च इंजन है, याहू तो याहू, आप लोगों ने यही तो कन्फ्यूजन कर दिया, ईमेल याहू तो लोग सोचते हैं ईमेल है, ईमेल उसको बंद कर दिया उसने, मैसेंजर भी बंद कर दिया, हाँ तो वो तो मैं बता रहा हूँ, ये ब्राउजर है क्रोम, क्रोम ब्राउज करता है, सर्च नहीं करता इंजन, गूगल का है सर्च इंजन, सर्वर उसके पास सबसे बड़े हैं, बिंग है सर्च इंजन है, फादर ऑफ सब सुपर कंप्यूटिंग, ये बेबेज तो सर चार्ल्स बेबेज तो था नहीं, चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर फाउंड तो जरूर किया था, सुपर कंप्यूटर लेकिन अलग ही अच्छा, हाँ ये सुपर, हाँ सुपर कंप्यूटिंग का, ये मैंने किया है, इसमें क्या 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 था ऑप्शन, सेमूर क्रे एलिन ट्यूरिंग है विंडसर पे, ये तो पहले डिफरेंट आ गया ना आंसर, मैंने किया ही नहीं। और इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन में कौन सा आंसर ऑप्शन होगा? ऑप्टिकल भी, ऑप्टिकल इमेजिंग एक्सरे या माउस, ऑप्टिकल ही हो सकता है। सैटेलाइट का आया था प्रथम पीसेट, स्वयं या सरल, हाँ इंडियन यूनिवर्सिटी सैटेलाइट प्रथम पीसेट, स्वयं या सरल, इंडियन यूनिवर्सिटी सैटेलाइट का ऑप्शन है प्रथम पीसेट, स्वयं और सरल, श्योर नहीं है, प्रथम आना चाहिए, प्रथम कैसे कर सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको नहीं दिए गए थे, ये तो अब आई है तो आप प्रथम नहीं कर सकते ना, सबसे पहले लॉन्च किसके लिए किया है? इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, कैसे कह दोगे आप? नहीं वो एक शोर वाला था, आप लॉजिक लगाओगे ना, पास किया वो शोर, क्या नाम, शोर मंडल को किसने पार किया? हाँ वो तो ऑप्टिकल, वो तो ऑप्टिकल बता दिए ना, वो एक प्रथम भी तो था ना, हाँ दूसरा था वोकेशन, हाँ यही दो फाइनेंसियर फर्स्ट स्पेस शिप सेंट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था चंद्रयान, तो चंद्र पे गया था यार, ठीक है मंगलयान मंगल पे गया था, लेकिन अपनी जो सौर मंडल है उससे भी बाहर, यार शायद हम फर्स्ट में तो वो गया तो वही था, अब वो कहाँ गया था ये पता नहीं, अंतरिक्ष में तो लेकिन वही गया था पायनियर फर्स्ट ही, ये गया वही था, दूसरे नंबर को लाइक अप किया गई थी,
दूसरे वाले से फर्स्ट ही किया वो तो आ ही नहीं सकते यार। एक सीएनजी वाला है ना जिसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सीएनजी जलने पर बहुत कम उष्मा ऊर्जा देती है, ये गलत है। ये तो गलत है, और बस बाकी तो ऑप्शन सही है। सीएनजी आसानी से जलती है, सीएनजी क्लीन ईंधन है, और एक होता है सीएनजी को पाइप पर उधर पाता ना है कौन सा नहीं पड़ता। हां वो उसमें कोयले से तो राख बन जाती है, कपूर से वाश बनने की तो कौन सा कपूर हो सकता है कि कोयले से राख बन जाते हैं, गैस भी बनेगी कोयले से। नहीं वो जलने वाली चीज सारी रासायनिक पदार्थ है। हां हां उसे राख बन जाती है, राख दोबारा इस्तेमाल हो जाती है। राख कैसे वॉशिंग है, जलने वाली क्रिया वो सभी रासायनिक ही है परिवर्तन। कोयले का नहीं, कोयले का नहीं था लेकिन। हां कोयले का है, कोयले की दहन में जलने वाली जो भी चीज थी ना वो सारी रासायनिक दे लो, नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले की दहन में। मक्खन के पिघलने से तो मक्खन ही रहता है यार। नहीं नहीं वो सेम वो ही रहेगा, मक्खन के पिघलने नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए। हां भाई मक्खन को अगर अपन वो करेंगे पिघलेंगे बन जाएगी, मक्खन के पिघलने से घी बनेगा कपूर के। कार्बन बनता है, जैसे कार्बन कॉपी जो होती है पेपर्स के अंदर कार्बन मिलते हैं बिल्कुल ज्यादा मात्रा में, तो आज प्राप्त हो रही है। ये लॉजिक वाला इसके बताओ, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, केमिकल चेंज।
स्टेशन का तो रहता ही है, रहता है यार, लोग कितना इंटेलिजेंट भी बैठेगा ना तो उसके साथ भी होगी वो प्रॉब्लम। मैं उसे बोल रहा हूँ जीके बोले मतलब जीके ने करंट टाइप में डाल दी, वो आई नहीं जो स्टेट वाली थी ना, ये तो बहुत कम आई है। इतनी पढ़ लो बहुत कम पढ़ती है, इस तरह में ना कम पढ़ती है जीके, और क्या है कोई सा ही एग्जाम ले लो करंट जीके का, कोई वो नहीं है नहीं टाइप दे देते करंट जीके। जीके तो यार समुंदर है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, उसका तो अंत नहीं है, या तो इतिहास से उठा लेते हैं या तो भूगोल से। अब हिस्ट्री यार हिस्ट्री कंफर्म कर लो तुम सारी की सारी, फिर भी कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकाल देंगे। जीके से रिलेटेड ज्यादा है नहीं, अब तो ज्यादातर देखने को तो राजस्थान पुलिस के अंदर भी हिस्ट्री के तो कमी आ रहे हैं, आरएस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, सिर्फ जीके जीके मांगते हैं, हिस्ट्री का कोई लेने देने भी नहीं है। अगर हम समझ लो किसी की नौकरी लग भी जाती है तो वो तो एलडीसी का काम करेगा, पेपर वर्क करेगा, हिस्ट्री वो हिस्ट्री क्या लिखेगा उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ बस आदमी को कन्फ्यूज करने के लिए बिजी करने के लिए। लॉजिकल क्वेश्चन डालने चाहिए इसके अंदर, लॉजिकल और रीजनिंग होना चाहिए इसमें, तक बंदे का माइंड चले। करंट का भी है, करंट कहां कहां से आता है, पैटर्न चेंज हो रहा है स्लोली धीरे धीरे, रेगुलर न्यूज़ देखते रहो, हाँ न्यूज़पेपर पढ़ो बस, न्यूज़ देखो बस, बाकी हिंदी इंग्लिश आपकी जो ग्रामर है एक बार प्रैक्टिस कर लो। सर्जिकल स्ट्राइक इसको 29 सितंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस के रूप में, कल परसों घोषणा की गई है, करंट भी बन जाएगा। समझ लो कि आधे से ज्यादा बार उतर गया, आधे से ज्यादा उतर गया। नहीं बताएगा लेकिन अब यार पहले टेंशन तो खत्म हो गई, अब तो एक पेपर की तो खत्म हो गई, यही करता है टेंशन ये पहला पेपर, अगर पहला ही खराब रहेगा तो दूसरे के तो वैसे मतलब ही नहीं है देने। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल रिंग को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अभी सेकंड पेपर जैसे ही होगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।